रोमियो नाम मेरा। क्या 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 रोमियो नाम मेरा। आज के इस आधुनिक युग में हम सभी लोग मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है। तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं आज से 30-40 साल पहले मोबाइल फोन महज एक कल्पना हुआ करते थे, लेकिन आज वह कल्पना सच हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ती हुई ये स्पीड वाकई देखने लायक है। यानी कुल मिलाकर मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूँ तो पिछले 50 सालों में हमने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है जो कि हमने 1000 सालों में भी नहीं की थी। तो आज हम ऐसे ही कुछ फीचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिस पर आज के साइंटिस्ट तेजी से काम कर रहे हैं, जो अभी तो सोचने में लगता है कि मुश्किल है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपने हाथों से इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि मैं बात करूं मशीन या रोबोट्स की, अब ये तो आम बात है, चाइना और जापान में रोबोट का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका है और वहाँ के कुछ लोग पेट की जगह पर रोबोट रखते हैं अपने साथ। तो फ्यूचर में ये रोबोट या कहूँ मशीन इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएंगी कि ये हमारी बातों को समझ पाएंगी और उसे याद भी रख पाएंगी। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा, इंसान शादी की जगह पर रोबोट को अपने साथ में रखे और रोबोट वो सारे काम कर पाएगा जो इंसान कर पाता है, जिसका थोड़ा बहुत नमूना तो हम देख ही पा रहे हैं। आजकल के एंड्रॉइड फोन में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने ओके गूगल तो सुना ही होगा, और गूगल पिक्सल के कुछ फोन्स में भी ये टेक्नोलॉजी आई है जिसे गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब ये इतना ज्यादा फास्ट कर दिया गया है कि मानो अगर आप कोई चीज भूल जाते हो, जैसे कि पासवर्ड, कीज या कुछ भी, वो आप अपने गूगल असिस्टेंट को बता दो तो वो आपके लिए ये सारी बातें याद रखेगा और जरूरत पड़ने पर आपको बता देगा जब आप भूल जाओगे। घबराइए मत, ये सिक्योर भी उतना ही है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट सिर्फ आपकी वॉइस को ही पहचानेगा और आपको ही वो सारे सीक्रेट बताएगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्सनली इसका एक नुकसान भी है। जैसे पहले के समय में हम मोबाइल नंबर ज्यादा याद रख पाते थे, लेकिन आज के समय में हम मोबाइल नंबर याद नहीं रखते, क्योंकि वह याद रखने वाली सभी चीजें या तो हम क्लाउड पे सेव कर देते हैं या फिर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि क्या यह टेक्नोलॉजी हमारे इंसानी दिमाग के लिए अच्छी है या फिर कहीं ना कहीं हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। अब बात करते हैं नैनो बॉट्स की, या कहें नैनो चिप्स की। ये फ्यूचर में इतने छोटे हो जाएंगे जो इंजेक्शन के जरिए आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जा सकेंगे। और ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बना ली गई है। मेडिकल साइंस इस पर तेजी से काम कर रही है। यानी कि आपके शरीर में कोई भी खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर, तो ये नैनो चिप्स आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मिलकर कैंसर जैसी बीमारियों के कीटाणुओं को फौरन खत्म कर देंगी, जिसके लिए आपको मेडिकल के लंबे ट्रीटमेंट का इंतजार नहीं करना होगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा आज का इंसान 60 से 70 साल तक जी पाता है, यानी कि एवरेज एज आज के इंसान की 60 से 70 साल है। तो फ्यूचर में ह्यूमन की एवरेज एज 200 से 500 साल तक भी हो सकती है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो सिर्फ महज कल्पना ही था वो आज धीरे धीरे सच होता जा रहा है। चाहे वो 60-70 साल के बाद तक यंग दिखना हो या फिर फिजिकली फिट रहना, यह सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल होता जा रहा है। तो दोस्तों, बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ फ्यूचर कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूं कि हमारे आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह का होगा, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।